हेलो एवरीवन, तो आप देख रहे हैं सोनाज स्टोरी। तो आज मैं बताऊंगी आपको हेंडे अर्जल के बारे में, यानी हयात के बारे में, जिन्होंने अपनी क्यूट सी स्माइल, प्यारी प्यारी आईज और उससे भी प्यारी क्यूटनेस, प्यारी प्यारी उनकी एक्टिंग का जादू सब पर चला रखा है, जिनकी खूबसूरती की दुनिया दीवानी है। प्यार लफ्जों में कहां, सुनहरी तितलियां सो यूं ही दुनिया में फेमस नहीं है। एक्ट्रेस हेंडे की लाइफ के बारे में बताने से पहले हम आपको ये बात बता दें कि जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो कोई इंडियन एक्ट्रेस नहीं है, वो एक टर्किश एक्ट्रेस है। हेंडे एक टर्किश नेम है जिसका मतलब होता है मुस्कराहट। ये नाम उनके ऊपर काफी सूट करता है। तो आइए जानते हैं, हेंडे का जन्म 24 नवंबर 1995 को टर्की में हुआ था और वो इस्लाम धर्म को फॉलो करती हैं। उनका पूरा बचपन ग्रैंड पेरेंट के साथ ही बीता। हेंडे ने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई मीनार सिनार फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी तुर्की से की थी। हेंडे की फैमिली की बात करें तो उनकी फैमिली में माता पिता और एक बहन है। हेंडे ने अपना पूरा बचपन ग्रैंड पेरेंट के साथ बिताया। हेंडे ने अपने करियर की शुरुआत 2012 से मॉडलिंग करने से स्टार्ट की थी। इसके बाद हेंडे ने 2012 में मिस टर्की का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद सो सुनहरी तितलियां और प्यार लफ्जों में कहा हयात के रोल करने से पूरी दुनिया हेंडे की दीवानी हो गई। हयात और मुराद की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आई और लोग इनके दीवाने हो गए। अब तो हयात और मुराद को भूल पाना मुमकिन है। दिल का दरिया बह ही गया। हेंडे की लव लाइफ की बात करें तो सबसे पहले हेंडे का नाम बुराक सडाल सनाल के साथ जुड़ा, जो एक टर्किश एक्टर हैं। उसके बाद हेंडे एकिन मर डेमाच को भी डेट कर चुकी हैं। फिलहाल हेंडे ने अपने बॉयफ्रेंड मूरत डालकलिन से इंगेजमेंट कर ली है, जो कि एक सिंगर हैं। हेंडे और मूरत ने 18 फरवरी 2020 को इंगेजमेंट की थी। हेंडे की फेवरेट चीज़ों की बात करें तो उन्हें खाने में इटालियन फूड काफ़ी पसंद है। हेंडे की हॉबीज़ घूमना, स्विमिंग करना और पेंटिंग करना उन्हें काफ़ी पसंद है। ये थी ब्यूटीफुल हेंडे यानी हयात की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप हयात के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे एक